नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत फहीमपुर कला में यहां से तीसरी बार ग्राम प्रधान का दायित्व संभाल रहे हैं ओंकार सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि वे अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य अभी करा पाए हैं। प्रधान जी, अपने कार्यकाल में आप क्या क्या विकास कार्य पंचायत में करा पाए हैं? साजी, हम तो अपने रास्ते बनवाए सब और स्कूल में भी काम कराया, मुरत घाट में कराया, वही यही काम भाई, और तो कहीं काम यही नहीं। अच्छा प्रधान जी, आपके पंचायत के विकास में आपको आपके क्षेत्र जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य, उनमें किस किस का सहयोग मिल पाया जी? भाई तो इनका संजीव बाजान ना भाई मुरत घाट में काम करवाया और किसी ने कुछ नहीं करवाया जी। या भाई ब्लॉक की तरफ से जो हमें दिक्कत था वो प्रमुख भी हमारे जानने वाला जी, बेचारे कोई मैंने नहीं कर, उन्होंने सहयोग किया। अच्छा, आप लगातार जैसे तीन बार से ग्राम प्रधान हैं यहाँ पे, तो अपने कार्यकाल में आपने जो गरीब तबके लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या क्या विकास कार्य आप करा पाए? और जी मकान बनवाए उनके, और भाई पेंशन बस अभी पंचायत एक उनका पंचायत घर भी बनवाया था जी जी योजना में। और मजदूरों का समस्या लोग मान रहे हैं यहाँ पे कि पंचायत में दोनों गांव आप जुड़े हुए हैं, फहीमपुर कला भी, मनोवरपुर कला भी, लेकिन दोनों पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र अब तक नहीं बन पाया नहीं। वैसे हैं तो अलग अलग पंचायत जी जी, बाकी गांव है मिलेगी बिल्कुल जी। तो ये इसमें क्या समस्या आ रही है जी, अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र अब तक नहीं बन पाए हैं पंचायत? वो हमारे यहाँ तो फहीमपुर में तो कोई जगह नहीं पंचायत जी जी के लिए बनाने की। यदि नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत फहीमपुर में यहां से युवा प्रत्याशी प्रवीण कुमार मलिक जी चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रवीण भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे गांव में सबसे बड़ी परेशानी है स्वास्थ्य विभाग की जी। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है मनोवर फहीमपुर कला दोनों गाँव में जी। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम गाँव में ये स्वास्थ्य केंद्र लाएँ, सरकारी अस्पताल बनवाएं। और दूसरा ये है कि जो पंचायत के जो यहाँ झगड़े होते हैं उनका झगड़ों का निवारण भी यहाँ पंचायत ही करे जी। और तीसरा ये है जी, जो गरीबों को विकास योजनाएं का विकास योजनाओं का लाभ मिले जी। जैसे पेंशन है और आवास है, शौचालय है और राशन कार्ड है, तो इस तरह के का लाभ मिले। और जो युवा है उनकी जो खेल सामग्री है और गांव में जो प्रतियोगिता होनी चाहिए जो नहीं हो रही है वो भी होनी चाहिए। एक शमशानों की स्थिति लोगों ने खराब बताई आपके? हाँ, शमशानों की स्थिति हमारे यहाँ खराब है और उसका भी हम निवारण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हमें मुजफ्फरनगर जिले के गांव पंचायत फहीमपुर कला में यहाँ से इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में हैं परविंदर सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। परविंदर जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? भाई मुद्दे तो बहुत है गाँव में जी। कोई लैट्रिन की समस्या है, किसी को विकलांग की समस्या है, किसी की मकान की समस्या है, किसी की छत की समस्या है जी। तो इसलिए हम गाँव के रास्ते की और आपके तालाब वगैरह शमशान घाट हमारे यहाँ बहुत ख़राब हैं, इतने ख़राब है, ज़मीन 6 बीघा आप मौके पर 8 बीघा जी। कई बार कोशिश करें तो छुट्टी नहीं सकती, पता नहीं क्यों छुट्टी, इसके लिए जानकारी करनी। तो इस ये मुद्दे हैं जो मेन मुद्दे हैं जी। इनके लिए चुनाव लड़ना चाह रहे और बिना हम तक वहाँ जब लोग चुनाव नहीं लड़ने के हमें जानकारी कुछ नहीं मिलती जी। हम तो लोग वे गरीब तबका आपकी बार कोशिश कर रहा कि बाबा जी पहले साल भी कोशिश करी थी लेकिन हमने कुछ गलतियाँ हमसे हुई थी जो हम बैठ गए थे, लेकिन अब की बार हम नहीं बैठना चाहते। तो हम चुनाव लड़ने का जब भी पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। अच्छा, पंचायत में आपके अभी जैसा लोगों ने बताया कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह भी नहीं है ना? तो यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र है ना, यहाँ कोई टावर है जी। या यहाँ बच्चे छतों पर जाएं या जंगल में जाएं नेट चलाने के लिए? कोरोना बीमारी चल रही, बाहर भेज नहीं सकते, इससे बचाव के लिए हमने तो कहा छत पर बैठ कर लो या अपने ट्यूबवेल पर जाकर नेट चला लो जी, पढ़ाई ऑनलाइन कर लो जी। अब बताओ क्या करें, यहाँ कोई सुविधा नहीं है ना, नेटवर्क की सुविधा है
ना यहाँ कोई शिक्षा वो है किसी तरह का, ना यहाँ कोई वो मेडिकल वगैरह की। अच्छा, पंचायत में भी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है? बिजली के लिए मैं संघर्ष करता रहूँ तो थोड़ा बहुत बिजली मैं धिकलवा रहा, कह के मिलते रहें बिजली वालों से, तो ये बिजली थोड़ी बहुत चलवा के, नहीं तो यहाँ तो बुखार मतलब हवा मुजफ्फरनगर आती तो लाइट हमारी बंद हो जाती। मैंने मतलब जेई से मिला, एसडीओ से मिला, अधिकारियों से मिला, मैंने अपनी लाइन चेंज करवाई, 10 रुपये अपनी जेब से भी खर्च करे, पब्लिक कुलारा लगा, जब जाकर तो थोड़ी लाइट की सुविधा हुई। अच्छा, पेयजल की और सड़कों की क्या स्थिति है? सड़क हमारे यहाँ चौड़प खराब हो रही है, कोई अच्छी सड़क नहीं है। जब गाँव के चौड़प जगह पानी भरा पड़ा, इधर से जाओगे जब पानी मिला गड्ढे मिलेंगे, उधर से आओगे जब गड्ढे मिलेंगे। मतलब सुधार आप चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हम इसका सुधार करें, अपनी योजना में करें, हम कामयाब हुए तो हम ही जब भी कुछ करेंगे।